कम करो, कम करो, तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, लूट सूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, लूट सूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, करो, बंद करो, बंद करो, लूट सूट बंद करो, बंद करो, बंद करो, तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, बंद करो, पेट्रोल डीजल कम करो, कम करो, कम 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 करो, डीजल कम करो, कम करो, कम करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, 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 कम करो, कम करो, तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, बिजली पानी दे न सके वो सरकार बदलनी है, महंगाई को कम करो, महंगाई को कम करो, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करो, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करो, हम क्या चाहते हैं आजादी, सरकार हाय हाय, महंगाई हाय मोदी, हाय महंगाई, हाय मोदी, हाय महंगाई, हाय मोदी, हाय महंगाई, हाय मोदी, जी जी बताइए आज आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस ढंग से बढ़ रही हैं उसके खिलाफ आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, हमारे रियासत में, जिलों में, ब्लॉकों में, तो पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस ढंग से अपने समय में लोगों को 45 रुपये लीटर पेट्रोल दिया था और जिनकी सरकार बनी है तो उन्होंने 100 रुपये से ऊपर कर दिया, जबकि उस वक्त जो क्रूड ऑयल था जो हमें मिलता था एक बैरल, वो उस वक्त जो मिलता था वो 109 रुपये का एक बैरल मिलता था, 109 रुपये का ना, 109 डॉलर का, और आज जो है वो 50 रुपये का डॉलर का एक बैरल मिल रहा है, उसके बावजूद भी आज महंगाई जो है वहाँ का मुकाबला कीजिए, 100 रुपये लीटर जो है पेट्रोल पहुँच गया है, डीजल कहाँ जा रहा है, ये आप दालों देखिए, दालों का भाव, तेल 80 रुपये मिलता था जो अपना तेल है सरसों का तेल, आज 200 रुपये मिल रहा है, चाय डबल हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई, चावल कहाँ चले गए हैं, और लोग जो है परेशान हैं, एक तो कोरोना की वजह से, दूसरा इस सरकार की पॉलिसियों की वजह से, ये सरकार जो है ये गरीबों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, नौजवानों के हित में नहीं है, आम आदमी के हित में नहीं है, हम चाहते हैं ये सरकार जो है इसको बदलना है, और लोगों में आज जागृति आई है, लोगों ने पिछले इलेक्शन में मोदी को जे समझ के वोट दिए थे कि इन्होंने बहुत से वायदे किए थे, चाहे वो बॉर्डर पे हमारे भाइयों को 5 महल्ले का प्लाट देने की बात कही थी, चाहे बॉर्डर पे शांति लाने की बात कही थी, चाहे महंगाई दूर करने की बात कही थी, चाहे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। आज हमें ये बताया गया उस वक्त कि आपका जब जम्मू कश्मीर में 370 हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर तरक्की होगी, जो खुशहाली होगी, जहाँ नौकरियाँ मिलेंगी, लेकिन बड़ा अफसोस है कि हमें उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, हमें नुकसान हुआ, हमारा जो स्टेटस था वो एक स्टेट थी जिसकी 22 डिस्ट्रिक्ट थे, आज इन्होंने एक ड्यूटी बना दी है, ड्यूटी बनती है 4 डिस्ट्रिक्ट के 3 डिस्ट्रिक्ट के, इन्होंने हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट की ड्यूटी बना दी, बड़े अफसोस की बात है, और आज हम यही डिमांड करते हैं कि हमारी जो स्टेट का दर्जा है वो उसको बहाल होना चाहिए, और हमारी आइडेंटिटी थी जो डोगरों की, ये डोगरा स्टेट थी, वो वापस होनी चाहिए और लोगों को अपने हक मिलने चाहिए, और जिस तरह ढंग से ये सरकार जो है काम कर रही है, हम इन नीतियों का विरोध करते हैं, ये नीतियाँ जो हैं जो जनता के हक में नहीं। एक तरफ सरकार ने दावा और वादा किया था कि गरीबी जो है हटा दी जाएगी, दूसरी तरफ इस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या कहेंगे सर? अब जो हालात बन रहे हैं आप देख रहे हैं, बड़े समझदार हैं, सारे सब कुछ देखते रहते हैं, आज ये गरीबी को नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं, जो गरीबों को मार रहे हैं, गरीबों को ख़त्म कर रहे हैं, और कुछ पूंजीपति जो इनके दोस्त हैं उनके लिए सब काम कर रहे हैं। आपने देखा कि किसान हमारे भाई जो हैं पिछले
आठ महीने से दिल्ली में बैठे हुए हैं। क्या डिमांड है उनकी कि जो कानून आप हमारे लिए बना रहे हो वो हमारे हक में नहीं है। वो चाहते हैं इस कानून को आप रिकंसिडर करो, वापस ले लो। लेकिन सरकार इतनी जिद्दी, आगे भी हमारी सरकारें रही हैं। हम देखते थे अगर प्रदर्शन होता था कोई ऐसी मांग होती थी जो लोगों के हक में नहीं होती थी, हम उसको वापस करते थे, हम फैसले बदलते थे। लेकिन ये सरकार जो फैसले ले लेती है ये जैसे डिक्टेटरशिप है वैसे काम कर रही है। जम्मू में विरोध किया जा रहा है कि लगातार जम्मू शहर को शराबों का शहर बनाया जा रहा है, तो क्या देखते हैं? देखिए ये यहाँ पर आपने देखा और बहुत से लोगों ने कहा कि यहाँ पर तो अब सारा माफिया जो बाहर का है वो आ गया, चाहे वो शराब की बात कीजिए चाहे वो माइंस की बात कीजिए। कि वो हमारे लोकल लोग, छोटे मोटे लोग अपना माइंस पे अपना गुजारा करते थे या कोई शराब की दुकान ही करता था, उसको ख़त्म हो गया। वो अब बड़े बड़े माफिया आ गया है, वो डील कर रहा है। वो किस ढंग से एंटर किया है हमें समझ नहीं आई। डोमी साल बनाया, कहाँ से डोमी का साल बनते हैं, कहाँ से वो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेते हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो जो कुछ भी हो रहा है ये सरकार की जो पॉलिसियाँ फेल हैं। आज आम आदमी परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, और लोग ये चाहते हैं कि जो हमने धोखा खाया था इनको वोट दे के अब आने वाले इलेक्शन में उनको सबक। क्या आंदोलन जारी रहेगा कांग्रेस का आगे भी? कांग्रेस का ये आंदोलन महंगाई के खिलाफ, जो इन्होंने नीतियाँ बनाई हैं उसके खिलाफ, और लोगों के जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनको लेके हम अपनी जंग जारी रखें। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।